देखा नहीं सर, लेट ज्वाइन हुए थे आप आपके तरफ कैसा से, लगा रहे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, हो फिर जब दोबारा चालू की थी। ये तो क्लास में क्लास नहीं ले रहा है, ये तीन है को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन हो और उसके बाद वर्ग का फिर सर व्यंजन संधि और आगे किससे कहाँ से करेंगे? आपने जब तक वो चतुर्थ संधि तक पहुंच गए थे। जो क्लास नहीं ले रहे बच्चे, कुछ बच्चे जिनकी तो कोई मजबूरी होगी, चलो नहीं ले रहे कारण,
आपके पास तो सर्व सुविधा होने को उपरांत भी आप क्लास मिस कर रहे हो, क्या कारण है? क्या सर दिन आपका नेटवर्क नहीं आ रहा था, फिर आपने लिखी थी प्लस पे दोबारा से ज्वाइन हो, तब हम ज्वाइन हुए थे तो हमारी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही पा रही थी, फिर 9:36 पे हम ज्वाइन हुए, जब तक आपने सशस्त्र संधि तक करा दिया था उससे पहले का तो मैं बात करता हूं। मेरी बात सुनो, अगर अगर आपकी क्लास मिस हुई है, मैं आपको केवल आपके भेजे को बस अगर दूसरे बच्चे के पास अगर वो लेट पहुंच गए ना आपसे, तो फिर इसके उपरांत आपको होमवर्क कभी भी नहीं भेजा जाएगा, ये ध्यान रखने ना समझ में आ रहा हो? आप अंदर अपन को भाई लेट नहीं उस क्लास में आप ये मत करना उसको सभी को डिवाइड कर, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ हो? जिनकी क्लास में ये केवल नहीं को भेजेंगे। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अटक अटक के आ रही है, आवाज अटक रही है बस सर। ओके सर, चलो भी मैं बता रहा हूँ, बता रही है सुनिए। क्लियर नहीं दिख रहा से विसर्ग संधि कहते हैं, क्या हो रहा है सर? क्लियर बोर्ड दिखाई दे रहा है? तो दे रहा है, दे रहा है, बता मुझे। यस सर। ओके सर, संधि मुख्यतः चार प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। नंबर एक उत्तम विषय, नंबर दो सत्व विषय, थर्ड पोजिशन पे आती है तत्व विषय,
और आपकी फोर्थ नंबर की संधि है उसको कहते हैं लोक सर्ग संधि। क्या संधि है आपकी बताइए को सभी ने यस सर हो गया आगे चले यस सर ठीक है सर। नंबर एक उत्तर विसर्ग संधि एक पॉइंट ए है यानी इसके दो पार्ट वन पॉइंट वन है उत्तर विसर्ग अतो दो पिलुता प्रुते यदि विसर्ग हो एक विसर्ग हो और उसकी बात ए आई को विसर्ग यानी ए प्लस विसर्ग के स्थान ओ तथा बात वाले ऐसे स्थान पर अवग्रह हो जाता है। क्या हो जाएगा अवग्रह या ए प्लस कर दो या ए प्लस
कर दूंगा और कैसे होगा। देखो इस जगह पर हमारा छोटे हाथ की स्वर हो, छोटे हाथ क्या होना चाहिए स्वर, ये नहीं कि छोटा हाथ होना है, छोटे हाथ की ध्वनि होनी चाहिए आपका, उसके बाद सर को और उसके बाद भी आ जाए। देखें ऐ के स्थान पर ऐ रहता है, उक्त विसर्ग संध तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा और ए प्लस उ जब उक्त संधि होती है तो ए प्लस उ बराबर क्या हुआ उ हो जाएगा और बाद वाला जो आ है इसके स्थान पर ये अवग्रह हो जाएगा। जैसे के प्लस अपी अब जाते हैं आए के लिए यहाँ पर बताएं आप काम में आ है कि नहीं। यस सर। ओके जब यहाँ पर आ है उसके बाद विसर्ग के तो वही स्थिति हो गई, अब उसके बाद ये आ आया तो इस विसर्ग के स्थान पर इस प्रकार हो जाएगा, इसके स्थान पर अवग्रह हो जाएगा तो शब्द बन गया हमारा को और इसके स्थान पर आ पी, शब्द बन गया को अपी। रामे प्लस आयामो शब्द बनेगा रामो आयाम प्लस अस्मी शब्द बन गया आपका असमर्थो अस्मी, असमर्थो अस्मी। निर्भय प्लस अहम शब्द बनेगा निर्भो अहम, कर लिया।
नहीं किया सर, नहीं किया सभी ने, आवाज तो आ रही है, बात बता रही है आपने? समझे यहाँ पर? देखो अगर आपका ए है, ए सुनने की ध्वनि हो, मिस्टर हो, उसके बाद पर आपका तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, अथवा या वा रा ला आए, स्थान पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल्स नमे प्लस नमे, या देखो ये आगे बाद विसर्ग है, उसके बाद का पांचवा अक्षर है, तो विसर्ग के स्थान पर वो हो जाएगा, शब्द बनेगा आपका नमो नमे, क्या बन गया? नमो नमे। समझ में आ रहा है? देखें मनी प्लस हरे बराबर मनोहर, मनी प्लस रथे बराबर मनोरथ है, मनी प्लस जे बराबर मनोज। आप ये देख रहे ना कि मिलने के लिए अक्षर ये आने चाहिए, बस तीसरा चौथा पांचवा अक्षर दिया हुआ था। देखो सर, यसे प्लस दा बराबर यशोदा, सरे प्लस जे बराबर सरोज, बराबर सरोज,
करके प्लस करे बराबर बिल्कुल मने प्लस बना है बना बराबर मनु बना मने प्लस रमा बराबर मनु रमा बता रहे हैं सर नहीं बता रहा तो मुझे बता रहे क्या उतार लिया आपने उतार लिया तारिक साहब भाई आगे चलो हाँ उतार लिया जैसे प्लस भवती बराबर जीरो भवती निर्पेक्ष सति बराबर उतारिया सभी स्टूडेंट्स उतारिया बाकी सब नियम
या फिर इसको रहने दें, इसके बाद हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दें। बता दिया सभी ने? चलो ओके, वीडियो एनर्जी।